गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं राज नरवरे आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज से हम लोग मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। ये मैथ्स की क्लास रेलवे, व्यापम या कोई भी कंपटीशन एग्जाम जो भी गवर्नमेंट के द्वारा एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं, वो सभी एग्जाम में मैथ्स आती हैं और वही मैथ्स हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले हैं। ये हमारी मैथ्स का पहली क्लास है जो हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक मतलब हम गिनती नंबर से शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग गिनती ही देखने वाले हैं, इसके बाद मैथ्स के सारे क्वेश्चन हम लोग एक एक करके देखेंगे और सभी जितने टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो ये मैथ्स की क्लास पहला लेक्चर है मेरे दोस्त। तो आपको लेक्चर अच्छा लगता है, ये क्लास अच्छी लगती है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत ही मजेदार तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपको यहाँ पर समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे नंबर संख्या क्या होती है, नंबर्स क्या होते हैं, संख्याएं क्या होती हैं, यही हम लोग आज देखने वाले हैं। नंबर्स आपने देखे हैं, इतना तो आपको पता होगा कि नंबर जो है 1, 2, 3, 4, 100, इन्फिनिटी जो भी है, ये सभी हमारे क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं। बस इन्हीं नंबर से हमारी सारी मैथ्स को हमको सॉल्व करना है। लेकिन ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि मैथ्स में इन शब्दों का बहुत ज्यादा यूज होगा और इनके यूज से ही आपको पता चलेगा कि हमें कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे हैं प्राकृत संख्या, जिसे हम नेचुरल नंबर के नाम से भी जानते हैं। प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो क्या होता है नेचुरल नंबर? तो इसकी डेफिनेशन, परिभाषा यह है कि जो भी गिनती के शब्द होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, इन्फिनिटी तक जो भी गिनती के शब्द होते हैं, वो सभी क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, जो भी गिनती के शब्द होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। सेकंड है पूर्ण संख्याएं या होल नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, ये बेसिक है मेरे दोस्त, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये डायरेक्ट भी क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं कि निम्न में से कौन सा होल नंबर है, पूछे जा सकते हैं। तो ये डायरेक्ट भी आपको याद रखने हैं। होल नंबर या पूर्ण संख्याएं क्या होती है? अगर हम गिनती की संख्या में 0 को भी इंक्लूड कर दें, 1, 2, 3, 4, 5, इन्फिनिटी 0 को भी इंक्लूड अगर हम कर देते हैं, तो वो हमारी क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या या होल नंबर कहलाते हैं। इसके बाद आता है पूर्णांक संख्या या इंटीजर नंबर, और बहुत बार ये शब्द आपको देखने को मिलेगा मैथ्स में, इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर पूर्णांक संख्या क्या होती है? तो धनात्मक और ऋणात्मक जो पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों संख्याओं को मिलाकर जो संख्या बनती है, वो आपकी इंटीजर नंबर होती है। पॉजिटिव नेगेटिव मतलब आप समझ सकते हो, 3, 2, -1, 0, 1, 2, इन्फिनिटी -3, इधर -4, कुछ भी हो सकता है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। इधर कम होते जाएगी और इधर संख्याएं बढ़ती जाएगी। 0 के इस साइड संख्या का मान, वैल्यू जो है बढ़ती जाती है, और 0 के इस साइड संख्या का मान हमेशा कम होते जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद सम संख्या, तो मेरे ख्याल से सभी को पता है सम संख्याएं क्या होती हैं, जिसमें 2 का डिवाइड हो जाए, 2, 4, 6, 8, 10। हम स्पीड से इसे देखेंगे क्योंकि ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन हम सिर्फ यहाँ पर रिवीजन टाइप आपको बता रहे हैं। सम संख्याएं जिसमें 2 का डिवाइड हो सकता है, विषम संख्याएं जिसे हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, वो कौन सी संख्या होती है, विषम संख्याएं होती हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, जिसे हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते वो विषम संख्या होती है। इसके बाद है रूढ़ या अभाज्य संख्या, रूढ़ या अभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर, ठीक है, सॉरी प्राइम नंबर्स। आपको बताना होगा कि रूढ़ या अभाज्य संख्याएं क्या होती है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? तो वे संख्याएं जो सिर्फ खुद से, एक से बड़ी है, एक से बड़ी होनी चाहिए, और जो सिर्फ खुद से डिवाइड होती है, किसी और संख्या से डिवाइड नहीं कर सकते, उसे हम रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये कभी किसी से डिवाइड नहीं होता है, ये हमेशा खुद से ही डिवाइड होते हैं। और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अधिकतर बनता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या
कौन सी है, सबसे छोटी एक नहीं बताना है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है ये दो होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, दो होती है, ठीक है। इसके बाद है सभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर आपको बताना है, सभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। तो ऐसी संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं जिनका एस सी एफ जो होता है एक होता है, जिनका एस सी एफ हम अगली क्लास में जब भी हमारे एलसीएम एस सी एफ हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर अच्छे से देखेंगे। अभी सिर्फ आपको जानना है कि अब सभाज्य संख्या ऐसी संख्या है जिसका एस सी एफ महत्तम समापवर्तक एक होता है, वो संख्या क्या कहलाती है, सभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए 2 5 2 7, ये ऐसी संख्याएं हैं जिनका महत्तम समापवर्तक एक होता है। भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, जो डिवाइड हो सकती है, भाज्य संख्याएं जो डिवाइड हो सकती हैं, चाहे आप 2 को कह दो, 4 को कह दो, 6 को कह दो, 8 कह दो, 9 भी डिवाइड हो सकती है, 10 भी डिवाइड हो सकती है, एंड में ठीक है। तो ये सभी संख्या कौन सी होती है, भाज्य संख्या। मेन अब पढ़ना है आपको परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्याएं इरेशनल नंबर। एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या की परिभाषा, परिमेय संख्या को इस प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं कि वह संख्या जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, हम जिसे पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। और क्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्यू कैसा नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं, 0 से बराबर नहीं होना चाहिए, तो वो संख्या क्या कहलाती है, परिमेय संख्याएं कहलाती है। कोई भी संख्या पी बाई क्यू, मतलब अगर आपने 1/2 लिखा है, क्या लिखा आपने, 1/2 अगर आप लिख रहे हो तो क्या ये परिमेय संख्या है, 3/2 अगर आप लिख रहे हो तो क्या परिमेय संख्या है, हाँ, क्योंकि हम इसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं और यहाँ पे क्यू नीचे वाली संख्या 0 दिख रही क्या, नहीं है, मतलब ये क्या है, परिमेय संख्या। जैसे अगर मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया ओनली, तो क्या 3 परिमेय संख्या है, हाँ परिमेय संख्या हो सकती है, क्योंकि 3 के अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या की अगर बात करें, इरेशनल नंबर की अगर बात करें, तो वे संख्याएं जिन्हें हम वे संख्याएं जिन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। कैसे नहीं लिख सकते, पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, और क्यू कभी भी 0 नहीं होगा, इसमें भी कंडीशन वही है, तो वो कौन सी संख्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्याएं कहलाएगी, वो कौन सी संख्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या के एग्जाम्पल की, तो जैसे हम लोग √2 लिखते हैं, √5 लिखते हैं, √2 √5 √7/4, मतलब वे संख्याएं जो आपको अगर पहचानने डायरेक्ट पूछा जाता है कि अपरिनिम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है, या निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है, तो देखो यहाँ पर जो भी आपको रूट वाली संख्या अगर दिख रही है तो वो हमेशा अपरिमेय संख्या हो सकती है। लेकिन अगर कभी आपको ऐसा दिख गया कि √4 अपॉन डायरेक्ट अपन ऐसा दिख दिया √4/9, क्या ये अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है, ये आपको बताना है। देखिए अगर आप इसका वर्गमूल निकालोगे ना, तो 4 का 2 आएगा और 9 का 3 आएगा, मतलब आप उसे 2/3 के रूप में लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो ये अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती, ये परिमेय संख्या ही होगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके साथ अपरिमेय संख्या हो गई, ठीक है। तो हमें ये 10 पॉइंट याद रखने हैं, प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, भाज्य अभाज्य, परिमेय अपरिमेय। इसमें से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसे परिमेय अपरिमेय संख्या तो आपको रखना ही याद, क्योंकि ये डायरेक्ट एग्जाम में इसमें क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इसके बाद ये कुछ संख्याएं हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखना है। 1 से 25 तक अभाज्य संख्याएं कितनी है, 1 से 25 तक की अगर बात करें तो 1 से 25 तक 9 अभाज्य संख्या होती है, कितनी होती है, 9। 1 से 50 तक 15 और 1 से 100 तक 25, कितनी याद रखना है, 9, 15 और 25, 9, 15 और 25 ये याद रखना है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि 25 से 50 तक कितनी होती है, 25 से 50 तक, तो आपको माइनस कर देना है, 15 में से 9 माइनस
माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। अगर आपको बोला जाए कि 50 से 100 के बीच में कितनी परिमेय संख्या है, तो 15 में से 25 को माइनस कर देंगे तो कितनी बच जाएगी, 10। तो ये भी आपको याद रखना है, अगर आपने 3 याद रखते तो ये नॉर्मली आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके साथ आपको कुछ क्वेश्चन जो आपने पहले भी पढ़े हैं, नॉर्मल सी बातें हैं ये, कि आपको याद रखना है। जैसे पूछा जाए कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, ये हम लोग बहुत बार पहले स्कूल में पढ़ चुके हैं कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, दो अंक की 99, तीन अंक की 999, मतलब जितने अंक की बड़ी संख्या बोला जाए उतने 9 आपको लिख देना है। छोटी संख्या एक अंक की 1, दो अंक की 0, तीन अंक की, मतलब जितने अंक बोला जाए उससे 2, 1 कम 0 लगा देने, 4 अंक की 3 0 लगा देने, बस यही आपको लिखना है, समझ गए। बात करते हैं, अब ये तो हम लोग लिख सकते हैं और ये हमने पढ़ा दिया, लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा बन जाए कि एक अंक वाली कितनी संख्या है, एक अंक वाली कितनी संख्या है, तो 1 से 9 तक गिनेंगे कितनी संख्या है, 9, एक अंक वाली कितनी संख्या है, 9, दो अंक वाली कितनी संख्या है, ये अगर पूछ लिया जाए तो 2 अंक वाली 90, मतलब 3 अंक वाली कितनी होगी, 900। मतलब क्या करना है आपको, अगर पूछा जाए कुछ भी एक अंक वाली कितनी संख्या हो सकती, तो 1 से 9 तक आप काउंटिंग करोगे तो कितनी होगी, 9 ही होगी ना 1 से 9 तक। अगर बोला जाए कि दो अंकों वाली कितनी संख्याएं हो सकती हैं, तो 1 2 अंकों वाली बोला तो 10 से आप कहां तक काउंट करोगे, 99 तक, 10 से कहां तक काउंट करोगे, 99 तक, तो टोटल मिला के कितनी संख्या होगी, वो 90 ही संख्या होगी, कितनी होगी, 90 संख्या होगी। तो ये आपको याद रखना है कि एक अंक याद नहीं रखना है आपको, सिर्फ पूछा जितना पूछा जाता है उससे 1 कम 0 आपको लगाना है। अगर बोला ये कितने अंक की थी, 3 अंक की, अगर 4 अंकों वाली अंकों की संख्या, 4 अंक वाली अंकों की संख्या अगर पूछा जाए तो आपको कितने 0 लगाने हैं, 3 0 लगाने हैं। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको याद रखनी है, सिर्फ बेसिक है, कल से हम लोग फॉर्मूले देखेंगे और ट्रिक के साथ क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें आपको याद रखनी, इसके साथ ही अगर आपको वो पूर्ण प्रकारक संख्या या परिमेय संख्या अगर और भी डिटेल में जानना हो, तो हम लोग पहले भी वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आप आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर बहुत अच्छे से इन संख्याओं को समझाया गया है, वहां पर डिविजन रूल भी आपको बताए गए, महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं वो भी हम लोग वहां पर बता चुके हैं, तो आप वहां पे जाकर भी देख सकते हैं। महत्तम समापवर्तक एचसीएम एलसीएम तो हम लोग देखेंगे, जब आगे की क्लासेस जब होगी तो हम लोग उसे भी देखेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एमपी जीके की क्लास भी चलेगी, यहाँ पर हिंदी की क्लास भी हम लोग जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं, तो प्लीज चैनल पर बने रहिएगा। और यहाँ पर साइंस, हिंदी और मैथ, एमपीजीके सभी क्लासेस हम लोग जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं, अभी सिर्फ मैथ्स की क्लासेस, एमपीजीके की क्लासेस तो अभी चल रही है, तो प्लीज चैनल पर बने रहिएगा, ठीक है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।